हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स आज आइए, ये मैं अपनी फ्रेंड्स के घर। ये मेरे फ्रेंड्स मनजीत फ्रेंड्स, जो स्कूल के प्रिंसीपल भी है, नारायण स्कूल पब्लिक स्कूल के, होर रेकी ग्रैंड मास्टर भी, होर भी बहुत ज़्यादा डिग्रियां इन्होंने कीती हुई। आप ही दसणगे, मैडम दसो तुसीं कि डिग्रियां कीती हुई, तुहाडे कोल कि डिग्रियां? जैसे कि मुझे पौधों से जुड़ के रहने की आदत थी, उसके बिना मुझे ये लगा कि मुझे कुछ मतलब डिग्रीज लेनी चाहिए। तो मैंने डिप्लोमा किया नेचुरोपैथी में, मैंने डिप्लोमा किया सुजोक थेरेपी में। बाकी रेकी तो आपने बता ही दिया कि मैंने रेकी ग्रैंड मास्टरशिप की, रेकी भी की। इसके अलावा मैं, मुझे आर्ट ऑफ लिविंग में भी बहुत इंटरेस्ट था, उसमें मैंने दो कोर्सेज किए। एक तो किया है हैप्पीनेस प्रोग्राम, दूसरा किया सहज समाधि। और मैं ये सोचती हूँ कि जो मैंने डिग्रीज ली हैं, इसका मुझे ही फायदा ना हो, दूसरों को भी हो, मेरे फ्रेंड सर्कल को भी हो, और मेरे जो रिलेटिव्स भी हैं उनको भी हो। और सबसे ज़्यादा जो मुझे शौक है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उनको तो वो चीज़ों का फायदा हो। तो फिर मैं छोटी छोटी बातें उनको बताती रहती हूँ। आज मैं आपको बताती हूँ, मेरे हाथ में है ये छोटा सा प्लांट, ये छोटा सा प्लांट है अजवाइन का प्लांट। इसको हम लोग बोलते हैं अजवाइन का प्लांट, पर ये सच्चाई में अजवाइन का प्लांट नहीं है। अजवाइन का जो प्लांट होता है वो उसकी लुक और होती है, वो सौंफ के पौधे जैसा होता है, बट इसमें जो स्मेल है वो बिल्कुल अजवाइन जैसी है। और इसके जो फायदे हैं वो भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं। एक तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, और दूसरा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और पता ही है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी है, अगर हम खाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा होगा। इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, स्ट्रांग होंगे तो हमारी जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा तो हम काम कर सकेंगे। इसमें वाइटामिन ए और वाइटामिन सी भी है, वाइटामिन सी से ये भरपूर है। और इसका नाम जो है वो अजवाइन नहीं है, असली नाम इसका जो है वो अजवाइन नहीं है, वो है सेलेरी, सेलेरी प्लांट। और अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो मुझे लगता है ये पौधा तो हमें रखना ही चाहिए, क्योंकि इसका पत्ता लो, उसका पानी उबालो, उसको चाय भी कह सकते हैं, बट चाय वो वाली चाय नहीं बनानी कि हम चीनी पत्ती डाल के चाय बना रहे हैं। इसके पत्ते को 3-4 पत्तियां लो, उसको उबाल लो और उसका पानी पी लो, पेट तो बिल्कुल साफ हो जाएगा, कब्ज वगैरह दूर हो जाएगी। और इसका फायदा हमें बहुत ज़्यादा है, अगर हमें अस्थमा की प्रॉब्लम हो या सर्दी जुकाम लगा हो, गर्म होती है इसकी पत्ती थोड़ी सी, अगर हमें सर्दी जुकाम लगा हो ना, तो इसी तरह से फिर से चाय बना लो और उसको पी लो, और उसका फ़ायदा हमें बहुत ज़्यादा होगा। और बाकी जो एंड में जो कहना चाहती हूँ, ये पत्ता तो बहुत अच्छा है, बट डॉक्टर की सलाह के बिना हमें कुछ भी यूज नहीं करना चाहिए। सही गल है वैसे। थैंक यू वेरी मच। और देखो जी फ्रेंड्स, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं। ये देखो जी, इन्हों की लाइफ इन्नी बिजी है, और उस लाइफ के बिजी लाइफ के भी इन्होंने देखो केयर करते प्लांट की। ये देखो जी, इधर भी देखो, इन्होंने बहुत सोहने प्लांट लगाए हुए हैं। और फ्रेंड्स इन्होंने देखो फ्रूट के भी हर प्लांट लगाए हुए हैं। हाँ, ये जेड प्लांट देखो जी, प्लांट भी है, इसको एलिफेंट बुश भी कहते हैं। ठीक है जी, कोई भी शेप दे सकते हैं, कुछ भी। मैं इसको शेप देने जा रही हूँ, आज नहीं तो किसी दिन और। हाँ, कोई बास्केट बना यार, हार्ट बनायो, हार्ट बनायो, हार्ट बहुत बढ़िया। चलो मैं अगली बार आवांगी ना, फिर हार्ट से बना के रखियो। और फ्रेंड्स देखो इन्होंने मैंगो इधर भी लगाए हुए प्लांट, और ये देखो मैंगो, ये देखो हमारी छोटी सी। हाँ, ये दिखाओ जी, ये देखो छोटा सा पार्क, पार्क। हाँ, ये देखो जी, इन्नी केयर करते प्लांट्स, इन्ना प्यार करते। देखो जी, ਇਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੈਂਗਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਮਸੰਮੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਸੰਮੀ ਦੇ ਪਲਾਂਟ, ਮਸੰਮੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅੰਗੂਰ ਵੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਰਡਨ ਦਿਖਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਚੀਕੂ, ਇਹ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇਖੋ ਚੀਕੂ ਵੀ ਪੇ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਵਾਓ,
ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਚੀਕੂ ਦਾ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੌਸਮੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਦੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਇਹ ਅੰਗੂਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਰੈਂਡਸ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਟਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਹੈ ਅਮਰੂਦ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਅਮਰੂਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਅਮਰੂਦ ਹੈ ਵੈਸੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੇਲ ਵਗੈਰਾ ਚੀਕੂ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਔਰ ਮੌਸਮੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਹੈ ਪੇ ਦੇ ਹੈ ਸੰਤਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇਖੋ ਸੰਤਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਆ ਮੈਂਗੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਸੇਬ ਹੈ ਇਹ ਫਰੈਂਡ ਦੇਖੋ ਸੇਬ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੇਬ ਵੈਸੇ ਐਪਲ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਨਰਸਰੀ 'ਚ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂਗੋ ਦਾ ਇਹ ਕਿਤੇ ਲੀਚੀ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੀਚੀ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇਖੋ ਲੀਚੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੈਂਗਣ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇਖੋ ਵਾਹ ਬੈਂਗਣ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੈਸੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਦ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ अगर इंसान को कोई भी टाइम को मैनेज करना आता है ना और वो यस बॉस है तो वो कभी भी लाइफ में फेल नहीं होता वो किसी ना किसी तरीके से कोई भी काम कर सकता है और मुझे तो मेरी शुरुआत ही सुबह होती योगा से होती है और मैं योगा में भी डिप्लोमा मैंने किया हुआ डिप्लोमा किया मैंने योगा एंड फिटनेस ट्रेनर का और मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा गाइडेंस काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी का भी किया कि किसी के भी काम काउंसलिंग के लिए या किसी भी चीज के लिए किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो जरूरी नहीं है कि वो पेमेंट बेसिस पे सब कुछ होता है मेरे पास अपना प्रोफेशन है बट ये मेरे एक्स्ट्रा शौक है तो एक्स्ट्रा शौक में से ये भी मेरा शौक है कि मेरे घर में ग्रीनरी होनी चाहिए क्योंकि ग्रीनरी के बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते ना सही बात मैं सोच ही नहीं सकती कि हमारे घर में पेड़ पौधे ना हो और बिना ऑक्सीजन के हम कुछ कर पाएंगे सही बात है वैसे यूनिवर्स का तालमेल बनाने के लिए ये सब कुछ बहुत जरूरी है सही बात है वैसे पॉजिटिव एनर्जी भी इन्हें तो ही मिलती है सब तो ज्यादा है ना सब तो ज्यादा तो जिन्ने मर्जी परेशान होवो दुखी होवो पांच मिनट प्लांट दे कोल आन के बह जाओ मेरा तो यही हाल है वैसे परेशान होवे दुखी होवे अपने प्लांट्स कोल चले जानी हाँ वधिया हो जाने वैसे पांच मिनट विच ए देखो जी मौसमी भी काफ़ी ज़्यादा हुई हुई है होर कोई सुनेहा दियो जी मेरे फ्रेंड्स मेरे जिन्ने भी यूट्यूबर उन्होंने मेरा जो मैसेज है सारे यूट्यूबर्स को कि ये गार्डन ऑफ वननेस जो है चैनल ये बहुत ज़्यादा ग्रो करे और ग्रो ऐसे नहीं कर सकता आप लोग जो फ्रेंड्स हो हमारे उनकी बदौलत ही ये ग्रो कर सकता है सो मेरी बेस्ट विशेस मेरी फ्रेंड रचना सागर के साथ और जो यूट्यूबर्स हैं और जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके साथ भी है उनको मेरा बहुत बहुत बहुत